तलाक पार्ट टू आया तो मौलानाओं को सदमा क्यों लगा? तलाक के बाद देना पड़ेगा लाखों का भत्ता। चार शादी करो या पांच, तलाक लिया तो भत्ता देना पड़ेगा, इसीलिए भड़क गए देश के मौलाना। तीन पत्नियों को तलाक तो 1.5 लाख हर महीने भत्ता। रातों रात मुसलमानों की कैसे उड़ गई नींद? संविधान और कानून से बड़ा ना कोई धर्म था ना होगा। मुस्लिम लॉ बोर्ड और शरीयत का हवाला देने वाले मौलानाओं का गला सूख गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुनिया भर में भारत के मुसलमानों को लेकर हल्ला मचा है। सांप अपने बच्चों को खा जाता है, इस जानवर की तरह कुछ लोग भी ऐसे ही हैं जो अपनों का हक डकार जाते हैं। बुरके में मुस्लिम महिलाएं बेशक योगी मोदी को ना पसंद करें, लेकिन वो जानती है कि भारत जैसे बड़े और विशाल देश में उनके हक की बात सिर्फ योगी मोदी दौर में ही हुई। सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के युग में मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुना सकती है, लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं की हक की बात होती है तब तब मौलाना और मौलवी भड़क जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद योगी सरकार को कई मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चलाना पड़ सकता है, कई मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा आदेश दिया है जिसको लेके देश भर में बवाल शुरू हो गया है? UCC यानी एक देश एक कानून पे अचानक मोदी सरकार के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन क्यों ले लिया है? क्या शाहीन बाग से लेके मुस्लिम इलाके में योगी मोदी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होने वाला है? आखिर देश के मौलवी क्यों घड़ियाली आंसू बहाने लगे? इस बात को समझने के लिए राजीव गांधी का मुस्लिम प्रेम समझना होगा। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उस फैसले के बाद ही मौलाना नाराज है। सनातन धर्म में तलाक देने के बाद हर पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी का गुजारा भत्ता उठाना ही पड़ता है। शरीयत का हवाला देकर मौलवी दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे धर्म में दखल कैसे दे सकता है। 23 अप्रैल 1985 को भी SC ने फैसला दिया था, राजीव गांधी ने पलट दिया था, फिर मोदी तीन तलाक लेकर आए। तीन तलाक में ये जिक्र नहीं था कि गुजारा भत्ता कौन देगा, पत्नी दूर होने के बाद अपना पेट कैसे पालेगी। यूपी के देवबंद से लेके दिल्ली की जामा मस्जिद तक सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार का विरोध मौलाना करने लगे, लेकिन क्या वो अपनी ही घर की बेटियों और बहुओं की जिंदगी दांव पे लगा रहे? ये बात समझने के लिए आपको समझाते हैं कोर्ट के एक फैसले के बाद 57 मुस्लिम देश भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं। मुस्लिम लॉ बोर्ड और मुस्लिम ठेकेदार जिस फैसले का विरोध कर रहे हैं उसकी एक एक बात मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए है, लेकिन कई मौलाना योगी का बुलडोजर चाहते हैं। नई नई शादी के बाद 15 नवंबर 2012 को मुस्लिम महिला अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। 2017 में मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ IPC की धारा 498A और 406 के तहत केस दर्ज करवाती है। इससे नाराज पति अपनी पत्नी को तलाक देता है। 28 सितंबर 2017 तक तलाक का सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता है। महिला का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसने कहा, पति मुझे गुजारा भत्ता नहीं देता तो जीवन कैसे चलेगा। इसी बात पे सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ेगा, इस बात से किसको दिक्कत हो सकती है? मौलाना क्यों भड़कते हैं? मुस्लिम लॉ बोर्ड दावा कर रहा है कि हमारे धर्म में कोई कानून कैसे घुसा सकता है? तो ये देश संविधान से चलेगा या फिर किसी मुस्लिम लॉ बोर्ड के फरमान से? राजीव गांधी सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा ही फैसला दिया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट के कांग्रेस ने अध्यादेश ला दिया था। अब सरकार BJP की है, इसलिए ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। यूपी में तो पुलिस को योगी का आदेश मिल चुका है, अगर कोई गुजारा भत्ता नहीं देता तो फिर बुलडोजर एक्शन लेना होगा। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम देश अपने यहाँ से बुरका हटा रहे हैं, कई मुस्लिम देशों में गुजारा भत्ता भी है, तो फिर भारत के मौलाना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या राजनीतिक मुद्दा हाथ से चला गया? अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी भी मुस्लिम महिलाओं के लिए ये काला कानून बताने लगे, लेकिन ये नहीं बताया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला या उसके बच्चे का गुजारा कौन करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। तलाक के सबसे ज्यादा केस यूपी से आते हैं। एक एक मुस्लिम कई शादियां करता है, कई बार तलाक देता है। जब संविधान बना तो हिंदू मैरिज एक्ट बना, मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं बना। तब कहा गया मुसलमानों का कानून शरीयत से चलेगा। इसीलिए BJP जब UCC यानी एक देश एक संविधान का प्रस्ताव लेकर आती है तो मुस्लिम एक साथ BJP के विरोध भी वोट देते हैं।
ताकि उनके शरीयत वाले कानून के साथ कोई मोदी कोई योगी छेड़छाड़ ना कर पाए।